देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, आज भारत की सबसे बड़ी घटना ये है कि भारत में ब्रिटेन और अफ्रीका से लौट रहे लोगों को ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने प्रसपा यानी चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ गठबंधन कर लिया है। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनावों में 60% मतों के साथ विजयी होगी। इसके साथ ही मायावती का कहना है कि प्रसपा और सपा साथ भी आ जाएं फिर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देश में एक और घटना है जो इस वक्त सबसे बड़ी घटना है। आज निर्भया कांड की वर्षी है। आज के दिन एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है जो कि मेरी सोच मेरी नजर में देश की बेटियों के साथ न्याय संगत है और देश की बेटियों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है मोदी सरकार की ओर से। दर्शकों, आज कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आज यूनियन कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को पास कर दिया है। आज यूनियन कैबिनेट ने देश की लड़कियों देश की बेटियों को न्याय दिलाने एक रेवोल्यूशन लाने और देश की बेटियों के साथ देश के बेटों को एक तार में खड़ा कर दिया। दर्शकों, लड़के और लड़कियों के बीच असमानता की खाई में समानता लाने की आज बीजेपी सरकार ने कोशिश की है। केंद्र सरकार की ओर से पास किए गए प्रस्ताव में दर्शकों कहा गया है कि अब न्यूनतम उम्र बेटियों की शादी की लड़कियों की शादी की जो न्यूनतम उम्र है वो 18 साल से हटाकर अब 21 साल कर दी है। मतलब अब देश की बेटियां बिना किसी दबाव के बिना किसी परेशानी के पढ़ सकेंगी, आगे बढ़ सकेंगी, नौकरी कर सकेगी, अपना सपना पूरा कर सकेगी। दर्शकों, आज केंद्र सरकार की ओर से जो प्रस्ताव पास किया गया है वो दरअसल उस दबाव को उस बंधन को उन बेड़ियों को तोड़ेगा जो 18 साल की होती इन बेटियों के ऊपर विदाई का सिरदर्द बनकर खड़े हो जाते थे। दर्शकों, 17-18 साल की उम्र में जब ये बेटियां इंटर पास करके अपने सपनों को छूने की कोशिश में आकाश में उड़ना चाह रही थी तब ये कानून जो ये आजादी देता था कि इनकी शादी 18 साल के होते ही करवा दी जा सकती है, इसके चलते बहुत सी बेटियां बहुत सी लड़कियां अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकी। और जो कि देश की संरचना जहां पर एक पुरुष और एक महिला, एक लड़का और एक लड़की, एक छात्र और एक छात्रा बराबर हैं, लेकिन उम्र में शादी की उम्र में असमानता एक बड़ा मुद्दा थी। दर्शकों, आज मोदी सरकार ने जब इस प्रस्ताव को पास किया है तो वो लोग जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे आज उनके घर पर मिठाई बटी है। ऐसे में देश की बेटियां कितना खुश हैं इस पर बातचीत करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, इस पर रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट दिखाएंगे आपको और समझाएंगे कि किस तरीके से आज देश की बेटियां सच में दिल से खुश हैं। रिपोर्ट ऑन द स्क्रीन प्लीज। युवा उड़ते हैं सपनों की उड़ान चाहे जितनी ऊंची हो। लड़कियों की 18 साल की उम्र को भी लड़कों की तरह ही नादान मानने वाले प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यूं तो इस बात को देश की कई अदालतें पहले भी कह चुकी हैं, लेकिन अब अगर कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये कानून बनता है तो लड़कियों की शादी भी 18 साल की बजाय 21 साल की उम्र में ही हो सकेगी। लड़कियों की बालिक उम्र को लेकर समय समय पर बहस होती रही है। लड़के लड़कियों की बराबरी के पैमाने पर दिखाने वाले आईने पर शादी की उम्र का ये फैसला दाग जैसा ही है। बेशक लड़कियां कम उम्र में नौकरी करने के लिए फिट हों, स्कूटर मोटरसाइकिल या कार चलाने में एक्सपर्ट हों, लेकिन खुद की जिंदगी का फैसला चाहे वो करें या उनके परिवार वाले करें, अब 18 साल की उम्र को इसके लिए वाजिब नहीं माना जाएगा। सरकार को दिए गए प्रस्ताव में लड़के और लड़कियों की उम्र में बढ़ते जा रहे भेदभाव पर सवालिया निशान खड़े किए थे और इस पूरे मामले को हवा दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
पहले केंद्रीय बजट में, फिर लाल किले के 74वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में और फिर 16 अक्टूबर 2020 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ये बात दोहराई कि लड़कियों के लिए शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने की सरकार सोच रही है। मुझे देश भर की ऐसी जागरूक बेटियों की तरफ से चिट्ठियां भी आती हैं कि जल्दी से ऐसा निर्णय करो, कमिटी का रिपोर्ट अभी तक क्यों आया नहीं। मैं उन सभी बेटियों को आश्वासन देता हूं कि बहुत ही जल्द रिपोर्ट आते ही उस पर सरकार अपनी कार्यवाही करेगा। 1978 से लागू कानून में लड़कों के लिए शादी की कानूनी उम्र 21 साल है, तो वहीं लड़कियों के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 साल रखी गई है। वहीं अब यूनियन कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद लड़के और लड़कियों की शादी को लेकर उम्र की ये असमानता अब समान हो सकेगी। लड़कियों के हाथ अब 21 साल की उम्र के बाद ही पीले हो सकेंगे। भारत के सामाजिक विचार में लड़कियों को 18 साल का होते ही विदाई के लिए तैयार होने को कहा गया। छोटे शहरों और कस्बों में तो अपने पैरों पर खड़े होने या कुछ कर दिखाने के सपने तो टूटते ही हैं। साथ ही शहरों में भी बहुत सी लड़कियों पर 18 आते आते परिवार का दबाव बढ़ने लगता है। लेकिन अब बदलते वक्त के साथ समाज, अदालत और सरकार लड़के लड़कियों की शादी के उम्र के इस अंतर को खत्म करने की पूरी पटकथा लिख चुके हैं। मौजूदा कानून के मुताबिक देश में लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 साल है। अब सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी। बता दें कि नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल भी इस टास्क फोर्स के सदस्य थे। इनके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता मिशन और न्याय तथा कानून मंत्रालय के विधेयक विभाग के सचिव टास्क फोर्स के सदस्य थे। टास्क फोर्स का गठन पिछले साल जून में किया गया था और पिछले साल दिसंबर में ही इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। टास्क फोर्स का कहना था कि पहले बच्चों को जन्म देते समय बेटियों की उम्र 21 साल होनी चाहिए। विवाह में देरी का परिवारों, महिलाओं, बच्चों और समाज के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कानून क्या कहता है? इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये सभी कानून लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र 21 और 18 साल मानते हैं। धर्म के हिसाब से कोई बदलाव या छूट नहीं दी गई। अभी देश में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू है। भारत में लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर काफी लंबे समय से बहस होती रही है। बाल विवाह जैसी प्रथा पर रोक लगाने के लिए आजादी के पहले भी कई बार लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर बदलाव किया गया। दरअसल आजादी के पहले लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर अलग अलग न्यूनतम आयु तय की गई थी, लेकिन कोई ठोस कानून न होने से 1927 में शिक्षाविद, न्यायाधीश, राजनेता और समाज सुधारक राय साहब हरबिलास सारदा ने बाल विवाह रोकथाम के लिए एक विधेयक पेश किया। विधेयक में शादी के लिए लड़कों की उम्र 18 और लड़कियों के लिए 14 साल करने का प्रस्ताव था। 1929 में ये कानून बना जिसे सारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1978 में इस कानून में संशोधन हुआ और लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 और लड़कियों के लिए 18 साल कर दी गई। और आज 43 साल बाद सरकार ने कैबिनेट में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल किए जाने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। लेकिन समस्या खत्म हो चुकी है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा कि इस बदलाव के साथ साथ कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और सरकार ने लड़के और लड़कियों के बीच समानता के जिस छोर को छुआ है, क्या वो पूरा भी होगा या नहीं? क्योंकि भारत में कई कानून सिर्फ कानूनी बातों और किताबों में दम तोड़ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। दर्शकों, आज देश के लिए
भारत के लिए सबसे बड़ी खबर यह है। नेताओं के बयान बड़ी खबर नहीं, नेता हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तो यह पूरा जो राजनीति का सिलसिला है दरअसल आरोप प्रत्यारोप के इकोसिस्टम के बीच बहता है। लेकिन एक आम नागरिक के जीवन में कैसे सुधार लाया जाए उस पर जो बात होती है वो देश के लिए सबसे बड़ी खबर है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहा यह बड़ी खबर नहीं है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने अखिलेश यादव के लिए क्या कहा यह बड़ी खबर नहीं है। मायावती ने अखिलेश यादव के लिए क्या कहा यह बड़ी खबर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राहुल गांधी को कैसे घेरा यह बड़ी खबर नहीं है। आज राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कैसे घेरा, कैसे हमला किया यह बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर यह है कि देश की एक बेटी के जीवन में केंद्र से एक फैसला लिया गया और केंद्र के उस फैसले से उस बेटी के जीवन में जो सुधार आया वो आज की सबसे बड़ी खबर है। और ऐसे में क्या कुछ कहना है बेटियों का, आपको सुनवाते हैं। बेटियां देश की क्या कहती हैं, क्या सोचती हैं, सुनिए जरा। बिल्कुल कावेंद्र, देखिए जिस तरह से मेरे सहयोगी कावेंद्र चौहान लगातार आपको बता रहे हैं कि क्या उम्र हो गई है अब लड़कियों की शादी के लिए, केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है कि अब 18 से बढ़ाकर लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल कर दी गई है, तो हम नोएडा के ही एक इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर कुछ लड़कियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कितनी ज़्यादा खुशी उन्हें है, कितनी ज़्यादा जो संतुष्ट वो हैं इस फैसले से, तो सीधे उनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कीर्ति है। आप बताइए, आज केंद्र सरकार की तरफ से फैसला ले लिया गया है कि अब लड़कियों की शादी की उम्र जो है बढ़ा के 18 से 21 साल कर देगी, आप क्या कहना चाहेंगी? वैसे लड़कियों के लिए तो काफी अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में ना क्या होता है कि कुछ लड़कियां जो होती हैं वो पढ़ नहीं पाती, जिनको पढ़ने की भी इच्छा होती है वो नहीं पढ़ पाती हैं, तो अब क्या है इससे उनको आगे पढ़ने का भी, आगे बढ़ने का भी और अपने जीवन में कुछ करने का मौका मिलेगा इससे। और यानी कि देखिए अब केंद्र सरकार ने फैसला तो ले लिया, पहले हम देखते थे कि बहुत ज़्यादा जो लड़कियां होती थी जिनमें कुछ कर गुजरने की इच्छा होती थी और वो चाहती थी कि हम बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचे, कुछ काम करें, लेकिन एक परिवार का दबाव होता था, तो यानी कि अब वो चीज़ें नहीं होंगी और लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ती जाएंगी। हाँ वो तो है, अब ये है कि भाई अपने उससे जियो कि हाँ मुझे ये करना है तो वो करना ही है। चलिए आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम पूजा है और हाँ मुझे इस फैसले से बहुत खुशी है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों पे एक बर्डन रहता है कि 18 साल की हो गए तो इनकी शादी कर दो, एक्चुअली अधिकतर फैमिली में देखने को मिलता है, पर इस फैसले से बहुत खुशी मिली है क्योंकि इस अब जो लड़कियां हैं वो फ्रीली अपनी पढ़ाई कर सकती हैं, उन पर किसी तरीके का बर्डन नहीं होगा, उनको किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं होगा अपनी लाइफ में। पढ़ाई लड़कियां कर सकती हैं और अपने हक के लिए भी अब लड़ सकती हैं कि जहां पर बाल विवाह कर दिया जाता था अब उसके लिए लड़कियां डट कर खड़ी हो सकती हैं और लड़ सकती हैं। बिल्कुल, क्योंकि अधिकतर देखा गया है ज़्यादातर गाँव के जो इलाके हैं स्पेशली वहां पर भी ये चीज़ देखी गई है कि लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं इस फैसले से जो उस टाइप के परिवार हैं जो अपने लड़कियों की शादी जल्दी कर देते हैं उन पर थोड़ा ये रहेगा कि वो इस चीज में थोड़ी लड़कियों को सहूलियत मिलेगी, वो आगे अपने करियर में कुछ कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से आप लगातार बता रही हैं कि लड़कियों को बहुत सहूलियत मिलेगी और अक्सर हम देखते हैं कि वैसे तो भारत में जिस तरह से लड़के आगे बढ़ते हैं लड़कियां भी बढ़ती हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं ये पॉइंट था जहां पर लड़कियों को दबा दिया जाता था कि चलिए अब उम्र हो गई, 18 साल की हो गई, 20 साल की हो गई हो तो शादी करा देनी चाहिए, उम्र निकल जाएगी, तो वो चीज़ नहीं देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल, वो चीज़ कहीं ना कहीं लोगों की दब जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि लड़कियों पर ज़्यादातर बर्डन रहता है कि आपको अगर 18 साल के हो गए तो आपको शादी करनी है, और बहुत सारी लड़कियां 18 साल के पहले उनकी मतलब बहुत कम एज में शादी कर दी जाती है और बाद में उनको विदा किया जाता है, लेकिन इस तरीके के जो सिस्टम है वो लड़कियों के लिए बहुत ख़राब है, और कहीं ना कहीं इस फैसले से बहुत सारी लड़कियां खुश होंगी क्योंकि उनको आगे पढ़ने का, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है।
तो देखिए आज केंद्र सरकार की तरफ से ये लिमिट बढ़ा दी गई है कि 18 नहीं अब 21 साल की उम्र में लड़कियां शादी कर सकेंगी। क्या लगता है जो पहले बाल विवाह जो कहीं आज भी देखते हैं हम दूर दराज के गाँव में कि बाल विवाह होते हैं, लड़कियां बोल नहीं पाती, अपनी आवाज नहीं उठा पाती, तो अब इस फैसले से ये बाल विवाह वाली जो चीज है वो कम हो पाएगी? हाँ बिल्कुल, बाल विवाह जैसी चीज़ें बिल्कुल कम हो पाएंगी, क्योंकि पहले ये चीज़ें होती थी, जैसे अगर आप बात करें राजस्थान की या कोई ऐसे जगहों की, तो वहाँ पे बहुत छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती थी। लेकिन अब अगर केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आगे जा कर के एक जो बच्चों पर दबाव होता है, एक लड़कियों पर जो दबाव होता है वो दबाव नहीं पड़ेगा उन पर, और वो अपनी तरफ से अच्छे से आगे पढ़ाई कर सकती हैं, अपनी लाइफ जी सकती हैं, या आगे जो भी करना चाहती हैं अपनी लाइफ में वो कर सकती हैं। बिल्कुल, और देखिए अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में तो लड़कियां वैसे ही बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, फैमिलीज ऐसी हो गई हैं कि बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो गए हैं, लड़कियों को 26 27 तक भी 28 तक भी नहीं कहते, कि कहते हैं कि चलिए आप पहले अपने ड्रीम्स पूरे कर लीजिए, उसके बाद आपका जब मन करे शादी करें। लेकिन अब भी गाँव में जो है ये सबसे ज़्यादा चीज़ गाँव में ही देखी जाती है, कुछ शहरों में भी देखी जाती है कि वहाँ पर 18-20 साल की लड़की हुई तो कह दिया जाता है शादी कर लो, उम्र निकल जाएगी। तो यानी अब गाँव में दबाव लड़कियों पर कम पड़ेगा इस वैसे से, क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, दबाव कम पड़ेगा क्योंकि जब फैसला ही लिया गया है तो अब बिल्कुल अगर शादी कर भी देते हैं तो ये गैर कानूनी माना जाएगा, तो इसलिए कोई मतलब ही नहीं बनता है शादी करने का। और अच्छी बात है, ये चीज़ तो बहुत अच्छी है सरकार की, कि अगर 18 साल के ऊपर की शादी होगी तो उसमें लड़कियां भी समझदार हो जाएंगी, आगे की चीज़ों में उनको कोई परेशानी नहीं होगी, तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए अच्छी बात है ये। तो बिल्कुल देखा आपने कि किस तरह से लड़कियां जो हैं केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लेने के बाद से काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं, और साफ तौर पर ये कह रही हैं कि अब सरकार की तरफ से अगर ये फैसला ले लिया गया है तो ये बहुत अच्छा फैसला है, और जो लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा सहूलियत है। क्योंकि जहाँ पर आज भी बहुत जगह हमने देखा है कि लड़कियों पर प्रेशर डाल दिया जाता है, शादी कर लो शादी कर लो, 18-20 साल की उम्र में आप आ गए हो और शादी करने के लिए कहा जाता है, लेकिन अब वो चीज़ नहीं होगी, अब 21 साल तक लड़कियां बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी सकेंगी और आगे की पढ़ाई अपने कर सकेंगी, जब चाहेंगे तब वो कुछ कर सकेंगी, अपनी आवाज उठा सकेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो बाल विवाह करा दिए जाते थे अब उन पर लगाम लग सकती है। ओवर टू यू कावेंद्र। एग्जैक्टली, यू आर राइट पारुल, लेकिन ये चीज भी समझनी होगी कि क्या अगर जो केंद्र सरकार की ओर से आज जो कुछ किया गया, प्रस्ताव तो पास कर दिया गया, लेकिन क्या उतनी सफाई के साथ, क्या उतने अच्छे तरीके से इसको जमीन पर इंप्लीमेंट किया जा सकेगा? क्योंकि एक फिल्म का डायलॉग है कि कहने सुनने के लिए अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं, तो ऐसे में क्या राजस्थान में यह बदलाव लाया जा सकेगा कि जहां पर आज भी 12, 14, 16 साल की लड़कियों की शादी खुलेआम कराई जाती है? क्या राजस्थान के उस इलाके में उस माइंडसेट को चेंज किया जा सकता है? क्या देश के हर एक कोने में हर एक बेटी को न्याय दिलाया जा सकता है कि उसकी शादी किस साल के बाद ही होगी? क्या हर बेटी को यह आजादी होगी कि वो 21 साल के बाद ही शादी कर सके, और 21 साल से पहले उसके सपनों को दम तोड़ने की आजादी किसी को भी नहीं होगी? क्या इस बात को सरकार दम के साथ, ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ कह सकती है, या फिर ये बात भी कहने सुनने के लिए अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं? क्योंकि इससे पहले भी संशोधन की बातें हुई, इससे पहले भी सरकार ने तमाम दावे किए, वादे किए कि बेटियों के जीवन में सुधार लाएंगे, लेकिन क्या सच में वो सुधार आ सके, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आज प्रस्ताव पास किया गया, अब इसको कानून की शक्ल कब दी जाएगी? दर्शकों, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर कई वर्षों से लड़ाई लड़ी गई। 1978 से लेकर आज तक यह मुद्दा सामने रहा, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई गई। दर्शकों, क्या जब हर पैमाने पर लड़का और लड़की अगर बराबर हैं, तो क्या कोई पैमाना ऐसा हो सकता है कि जहां पर एक लड़की को विदा कराने की जो तिथि है वो लड़कों से 3 साल पहले
आ जाएगी। कैसा मुमकिन है कि ऐसा हो सकता है? क्या लड़के और लड़की जिनको समान अधिकार है, क्या वहां पर ये समानता की बात करना जायज होगा कि जहां पर एक लड़की 18 साल के होने से पहले इस दबाव में जिए कि कब वो 18 की होगी, उसकी विदाई का वक्त सामने मुकर्रर किया जाएगा? क्या ये सब नए भारत है? क्या ये सब नए भारत में हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। और इसका जवाब है वो प्रस्ताव जो आज सरकार की ओर से पास कर दिया गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया करना चाहिए देश की हर बेटी को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल नवंबर में एक कार्यक्रम में भी इस बात को रखा था कि देश की बेटियां पूछ रही हैं कि कब न्यूनतम उम्र को बढ़ाया जाएगा। इससे पहले लाल किले पे 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी प्रधानमंत्री ने कहा था लाल किले से कि जल्द ही इस न्यूनतम उम्र को बढ़ाने पर केंद्र फैसला ले सकता है। तो आज की बड़ी खबर यह थी दर्शकों, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात हो, शुक्रिया। देखिए भारत एट 9 कावेंद्र चौहान के साथ।